स्वागत है आपका एनके क्लासेस में। आज हम क्लास टेंथ की साइंस का चैप्टर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ ट्रेड्स। सो बेसिकली ट्रेड क्या होते हैं? तीन एलिमेंट्स का ग्रुप होता है। लॉ ऑफ ट्रेड में क्या बोला गया है कि जो मिडिल एलिमेंट होगा ट्रेड का वो अरिथमेटिक मीन होगा जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उसका। सो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्रेड बीइंग इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो न्यूलैंड ने लॉ दिया था, उसमें उसने 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था और इस तरीके से अरेंज किया था कि जो एवरी 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी फर्स्ट एलिमेंट से। सो न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एंड फाउंड डेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ। सो मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की वो पीरियडिक फंक्शन होती है किसकी? एटॉमिक मासेस की। तो मेंडलीव ने पीरियडिक लॉ बनाया था किसके अकॉर्डिंग बनाया था? एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग बनाया था। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। सो मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल के लिमिटेशंस क्या थे? इसके तीन लिमिटेशंस थे। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि वो आइसोटोप्स के पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप है, H1, H2, H3, कार्बन के दो हैं, C12, C14। सो इनकी जो पोजीशन होती है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकेंड है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो जो एटॉमिक मासेस है जैसे निकल है और कॉपर है, तो निकल का एटॉमिक मासेस कम है पर उसको कॉपर के आगे रखा गया था, सो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थर्ड है, ए करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन टू हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है उसको मेंडलीव पीरियडिक टेबल में प्रॉपर पोजीशन नहीं दी गई थी। तो ये उसके लिमिटेशंस थे। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, स्टेट मॉडर्न पीरियडिक लॉ। सो मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की पीरियडिक फंक्शन होती है किसकी? एटॉमिक नंबर्स की। और मेंडलीव में क्या बोला गया था कि जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की पीरियडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मासेस की। सो ये डिफरेंस है मेंडलीव पीरियडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियडिक लॉ में कि जो मेंडलीव में प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग होती है, और मॉडर्न पीरियडिक लॉ में जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो किसके अकॉर्डिंग होती है? एटॉमिक नंबर्स की होती है। सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियडिक लॉ the properties of elements are a periodic function of their atomic numbers। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।